उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तानी ड्रामे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे मुमालिक में भी पसंद किए जाते हैं। आज की इस लिस्ट में आप उन पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में जानेंगे जो मशहूर तरीन हैं और पूरी दुनिया में पसंद किए गए। अगर आप इन ड्रामों को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप एक से बढ़कर एक ड्रामा देखेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पर ड्रामा सीरियल अहदे वफा है। अहदे वफा पाकिस्तान का सुपर हिट ड्रामा था जो ISPR के तावन से बनाया गया। इस ड्रामे में चार दोस्तों के दरमियान मोहब्बत, नफरत, लड़ाई दिखाई गई जो अपने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात बर्दाश्त करके एक मुकाम हासिल करते हैं। इस ड्रामे में आप इमोशंस, मजाहिया सीन्स एक साथ देखेंगे। मुस्तफ़ा अफरीदी ने इस ड्रामे को लिखा, सैफ हसन ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में आप बेहतरीन अदाकारों को देखेंगे। ये ड्रामा कहीं पर भी बोर नहीं करता बल्कि ये ड्रामा मुकम्मल ही बार बार देखने को दिल करता है। नंबर 4 पर ड्रामा सीरियल परिजाद है। परिजाद पाकिस्तान का एक बेहतरीन कहानी पर मबनी ड्रामा था जो बहुत ज़्यादा हिट गया। इस ड्रामे में आप पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकार देखेंगे जो बेहतरीन अदाकारी करते हुए नज़र आए। बुनियादी तौर पर ड्रामे की कहानी परिजाद के गिर्द घूमती है जो एक स्याह फॉर्म लड़का होता है और गरीबी से अमीरी की तरफ सफ़र करता है। परिजाद को अपने काले रंग की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस ड्रामे में परिजाद का किरदार बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। इसकी दिगर कास्ट में यमुना जैदी, उर्वा हुसैन, सबूर अली, उशना शाह, नुमान एजाज, अहमद अली अकबर नज़र आए। नंबर 3 पर ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो है। मेरे पास तुम हो पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा है जिसने बैनुल अक्वामी सतह पर भी पहचान हासिल की। ये ड्रामा अपनी स्टोरी, डायलॉग और अदाकारों की शानदार अदाकारी की बिना पर पूरी दुनिया में पसंद किया गया। इस ड्रामे की कहानी लालच, मोहब्बत और वफादारी के गिर्द घूमती है। कास्ट में आयजा खान, हुमायूं सईद, हीरा मानी और इदनान सदीकी नजर आए। इस ड्रामे में आयजा खान ने एक लालची लड़की का किरदार अदा किया जो पैसों के लिए अपने शोहर को छोड़ देती है। ड्रामे में आप दानिश के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप ये ड्रामा देखना मिस कर चुके हैं तो आज से ही ये ड्रामा देखना शुरू कर दें, क्योंकि ये ड्रामा मिलियंस में व्यूज़ हासिल करने वाला पाकिस्तान का बेहतरीन ड्रामा था। नंबर 2 पर ड्रामा सीरियल तेरे बिन है। तेरे बिन 2023 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा है। नफरत से शुरू होने वाली इस मोहब्बत की कहानी को नाजरीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लीड रोल में यमुना जैदी और वहाज अली की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस ड्रामे को प्रोड्यूस अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने किया जबकि डायरेक्ट सिराजुल हक ने किया। रोमांस और इमोशन से भरपूर इस ड्रामे में जागीरदाराना निज़ाम भी दिखाया गया। कास्ट, स्टोरी और अदाकारों की शानदार अदाकारी की वजह से ये ड्रामा मिलियंस में व्यूज़ हासिल कर रहा है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 पर मेरा फेवरेट ड्रामा हमसफ़र है। हमसफ़र पाकिस्तानी ड्रामों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पाकिस्तानी ड्रामा था जो अपनी कहानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट गया। पाकिस्तानी इस ड्रामे को मोमिना दौरेद प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया जबकि सरमद खुसर की हदायतकारी में यह ड्रामा बना। ये एक शानदार मोहब्बत की कहानी पर मबनी था जो दो किरदार खिरत और अशर की है, जिनमें शुरू में इनके वालदैन ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं, बाद में यह शादी मोहब्बत में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अशर की दोस्त सारा दिलशिक होकर दोनों की जिंदगी की खुशी तबाह करने के लिए नए नए तरीके आजमाती है। ड्रामा सीरियल हमसफर जादू की छड़ी थी जिसने माहिरा खान और फवाद खान को बेपनाह तारीफ फराहम की। इसके दीगर कास्ट में माहिरा खान, फवाद खान, नवीन वकार, अतिका ओडो, हिना ख्वाजा और दीगर बेहतरीन अदाकार शामिल थे।